बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। और अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा रहा नहीं, किसानों पे बात कर सकते नहीं, मजदूरों के बारे में बात नहीं कर सकते, आदिवासी के बारे में बात नहीं कर सकते, अनुसूचित जाति के बारे में बात नहीं कर सकते, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये केवल दो उनकी जो मास्टरी है, जिसमें धर्मांतरण है और दूसरा सांप्रदायिकता, ये दोनों पे ही लड़ाने काम कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, कोरोना काल के कारण से बहुत सारे व्यापार व्यवसाय सब ठप हुए, अब जाके खुला है। अब ये लोग दंगा भड़का भड़का के क्या शहर को इस प्रकार से बर्बाद करेंगे, ये कतई नहीं होने दिया जाएगा। आरएसएस तो नकेल कैसे कसेंगे आप, क्योंकि जैसे आप आरोप खुद लगा रहे हैं कि आरएसएस के सारे खो रहे हैं, तो नकेल कसने के लिए कुछ योजना प्लान बनाएंगे क्या? देखिए, कोई भी घटना है उसे बिल्कुल हल्के से नहीं लेना। ये छोटी सी घटना को बड़े बनाना चाहते हैं, हर छोटी घटना को। जो दो लोग लड़ेंगे, हो सकता है उसमें भाई भाई हो सकता है दो विभिन्न जाति के लोग, हो सकता है दो विभिन्न धर्म के लोग हों, आपस में लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन उसको हर बात को वो सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश जो करेंगे, उस पर हमको कड़ी निगाह रखनी होगी।